हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क। आज की वीडियो में अपन जो चाप की लंबाई होती है उसके डेरिवेटिव यानी अवकलज के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि किसी भी चाप का जो अवकलज होता है वो किस तरह से डिफाइन होता है और किस तरह से उसके सॉल्यूशंस को अपन यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ अवकलज जो है वो अपना आज का टॉपिक है। ठीक है, लेंथ ऑफ एन आर्क, किसी भी चाप की लंबाई का जो अवकलज होता है वो किस तरह से डिफाइन होता है उसको अपन आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसकी सबकी अलग अलग कंडीशंस होती है। किसी भी जो कर्व होता है उसके लिए अगर अपन कोई चाप डिफाइन करते हैं तो उस चाप को अपन किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, मान लो कि चाप को अपन किससे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल एस से डिनोट कर रहे हैं, तब यहाँ पर चाप की जो अलग अलग वैल्यूज होगी वो किस तरह से डिफाइन होगी। पहली कंडीशन होगी जब वाई जो है वो किसका फंक्शन होए, एक्स का फंक्शन होए। पहली कंडीशन है कि वाई जो है वो किसका फंक्शन हो, एक्स का फंक्शन हो। देन इस कंडीशन में जो अपना अवकलन होगा वो किसकी रेस्पेक्ट में होगा, एक्स की रेस्पेक्ट में होगा। तो डी एस बटा डी एक्स जो है वो यहाँ पर डिफाइन होगा। ठीक है, मतलब वाई जो है वो किसका फंक्शन होए, ये सब अपन किस में बात कर रहे हैं, कार्तीय निर्देशांकों के लिए बात कर रहे हैं अभी, कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट नेट होते हैं अपने एक्स और वाई, उनके लिए अपन यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो डी एस बाई जो डी एक्स होगा उसकी वैल्यू होगी अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू किसकी आ जाएगी, अपनी चाप की लंबाई का सूत्र यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका सेकेंड जो रहता है, अगर फलन जो है वो किसका फंक्शन हो जाए, एक्स जो है वो वाई का फंक्शन हो जाए, मतलब इसका जस्ट उल्टा हो जाए। ठीक है, कि एक्स जो है वो किसका फंक्शन बन जाए, वाई का फंक्शन यहाँ पर डिफाइन हो जाए। देन इस कंडीशन में क्या होगा, डी एस बाई डेरिवेटिव जो होगा वो किसकी रेस्पेक्ट में होगा, वाई की रेस्पेक्ट में डिफाइन होगा। और वाई की रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट वन प्लस है डी एक्स बटा डी वाई का होल स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें थर्ड रहता है, प्राचलिक रूप में गिवन हो। प्राचलिक रूप में गिवन का मतलब एक्स भी किसी थर्ड वेरिएबल का फंक्शन हो और वाई भी किसी थर्ड वेरिएबल का फंक्शन हो, यानी एक्स जो है वो टी का फलन हो और वाई भी किसका फलन हो, टी का फलन हो। देन इस कंडीशन में दोनों एक ही वेरिएबल के यानी एक ही प्राचल यानी पैरामीटर के फंक्शन यहाँ पर डिफाइन होना चाहिए। देन इस कंडीशन में जो अपना वैल्यू है वो होगा डी एस बाई डी टी। इसमें जो समाकलन होगा, सॉरी डिफ्रेंशिएशन होगा, वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, टी की रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि एक्स भी टी का फंक्शन है और वाई भी किसका है, टी का फंक्शन है। देन इस कंडीशन में जो चाप की लंबाई होगी वो होगी डी एक्स बटा डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने इस चाप की लंबाई की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन ये तो अपन किस में बात करे थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बात करे थे, अब अपन बात करेंगे किस में, पोलर फॉर्म में यानी ध्रुवीय रूप में इनको किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। तो ध्रुवीय रूप के लिए देखेंगे, दूसरा यहाँ पर देखेंगे ध्रुवीय निर्देशांक आर और थीटा के रूप में, ध्रुवीय निर्देशांक और पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, आर होता है और थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आर और थीटा की फॉर्म में देखेंगे तो क्या आएगा, देखिए पहली कंडीशन है जब आर जो है वो फलन हो किसका, थीटा का। आर किसका फलन हो, थीटा का। तो इसमें अपना किसकी रेस्पेक्ट में अवकलन होगा, थीटा की रेस्पेक्ट में होगा, डिफरेंशिएशन जो होगा, डेरिवेटिव जो होगा, तो इसमें आएगा अपना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, ये डिफाइन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पर क्या बनेगा, ये तो कौन सी कंडीशन थी जब r जो है वो किसका फंक्शन है अपना थीटा का फंक्शन है, तब दूसरी कंडीशन यहाँ पर बनेगी जब r जब थीटा जो है वो किसका फंक्शन है r का फंक्शन है, मतलब थीटा जो है वो किसका फंक्शन बन रहा है r का फंक्शन बन रहा है, देन इस कंडीशन में अपना क्या डिफाइन होगा डी एस बटा डी आर डिफाइन होगा, मतलब इसमें अपने चाप की लंबाई जो होगी वो किस फॉर्म में अपनी डिफाइन होगी आर के डेरिवेटिव के रूप में, और वो क्या बनेगा ये वो बनेगा वन प्लस आर स्क्वायर डी थीटा बटे डी आर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगी अपने चाप की लंबाई। ठीक है, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो इस तरह से अपन यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं इजीली, इन जो फॉर्मूलाज है इनकी हेल्प से अपन इनके डेरिवेटिव जो होते हैं किसी भी मतलब आर का, किसी भी लेंथ ऑफ आर के यानी चाप की लंबाई का जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो पहला एग्जाम्पल देखेंगे अपन, पहला एग्जाम्पल अपने पास गिवन है कि परवलय, एग्जाम्पल गिवन है परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax के लिए सिद्ध कीजिए, 4ax के लिए सिद्ध कीजिए, यानी अपने को सेटिस्फाई करवाना है, इसको सिद्ध करवाना है, प्रूफ करना है क्या डी एस बाई डी एक्स इजिकल्स टू, डी एस बाई डी एक्स इजिकल्स टू क्या होगा अंडर रूट ए प्लस एक्स बटा एक्स, ये वाली वैल्यू यहाँ पर डिफाइन होगी। ठीक है, मतलब इसका लेंथ ऑफ आर्क जो है उसका डेरिवेटिव जो है वो कितना होना चाहिए अपना अंडर रूट वन प्लस एक्स बटा अक्ष होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपने को समीकरण क्या दी हुई है परवलय की, और परवलय भी कैसा दिया हुआ है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, यानी अपने पास कौन सा केस है वाई जो है वो किसका फंक्शन है एक्स का फंक्शन है, यानी अपने पास पहली कंडीशन यहाँ पर है। तो अपन यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो जो गिवन इक्वेशन है उसका क्या करवाएंगे अपने समाकलन करवाएंगे, सॉरी डिफ्रेंशिएशन। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन से, अवकलन तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या बन जाएगा इधर 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स में बनेगा अपना 4a। ये वैल्यू अपने पास डिफाइन होगी। ठीक है, अब यहाँ से जब अपन वैल्यू रखेंगे तो dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी अपने पास 4a बटा 2y। अब देखिए y की वैल्यू अपन कहाँ से निकालेंगे, जो ये वैल्यू अपने पास गिवन है, तो y की वैल्यू अगर अपन यहाँ से निकालते हैं तो अपने पास क्या फाइंड आउट होगा y की वैल्यू यहाँ से आएगी अंडर रूट 4ax, यानी लिख सकते हैं 2 अंडर रूट ax, इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ ये वाली वैल्यू यहाँ पर अपने पुट कर देते हैं, तो देखिए क्या बनेगा 4a बटा 2 इंटू 2 अंडर रूट ax। अब 2 से तो दोनों 2 से ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट ए प्लस ए बटा अंडर रूट ए एक्स जो वैल्यू है वो यहाँ पर डिफाइन होगी। इसको थोड़ा और सरल करते हैं, ऊपर ए है नीचे अंडर रूट ए है, तो ऊपर कितना बचेगा अंडर रूट ए, यानी मैं इसको क्या लिख सकती हूँ अंडर रूट ए बटा एक्स लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ, इस तरह से अपन इसको क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका अपन क्या लिखेंगे डी एस बाई डी एक्स का जो फॉर्मूला अपन ने लिखा था उसमें इसकी वैल्यू को रख देते हैं, तो देखिए क्या बनेगा अपने पास चाप की लंबाई के अवकलज का सूत्र होता है डी एस बाई डी एक्स इक्वल्स में अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब अपने पास जो डी वाई बाई डी एक्स आया था वो क्या आया था अंडर रूट ए बटा एक्स डिफाइन
हुआ था। तो अपन इनकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो देखिए अंडर रूट ए वन प्लस अंडर रूट ए बटा एक्स का होल स्क्वायर, जब इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, वन प्लस ए बटा एक्स, इसका एलसीएम लेके इसको सरल कर लेते हैं, एक्स प्लस ए बटा एक्स, और यही अपने को यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस तरह से अपना जो यहाँ पर है वो हेंस प्रूफ हो जाता है। ठीक है, इस तरह से अपन ने कोई भी जो वैल्यू, अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को करने से सबसे पहले अपने को देखना है कि अपना जो फंक्शन है यहाँ पर, जो अपने पास इक्वेशन गिवन है वो किस तरीके की गिवन है। यहाँ पर आपसे पोलर कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हो सकते हैं, आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हो सकते हैं, और कार्टेशियन और पोलर में भी दोनों तरह के दिए हुए हो सकते हैं कि वाई फलन हो एक्स का या एक्स फलन हो वाई का। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर चार फॉर्मूलाज को यहाँ पर ड्राइव करवाया ताकि ईजिली यहाँ पर आपके आंसर जो है वो फाइंड आउट हो सके। ठीक है, तो y स्क्वायर बराबर 4x, यानी अपने को यहां पर गिवन था कि y किसका फलन है, x का फलन है। इक्वेशन को देख के अपन यहां पर ये पता कर सकते हैं कि y जो है वो किसका फंक्शन है, यहां पे x का फंक्शन है, और x का फंक्शन है तो अपने को यहां पे क्या फाइंड आउट करना है, ds / dx फाइंड आउट करना है, और उसको फाइंड आउट करने के लिए 1 + dy / dx यानी dy / dx की वैल्यू निकालनी होगी। तो जो अपना यहां पर पैराबोला का इक्वेशन गिवन है, इस पैराबोला के इक्वेशन को अपन डिफरेंशिएशन करवाते हैं, और डिफरेंशिएशन करवाने के बाद वहां से डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला में रखते हैं और आंसर को यहां पे सिद्ध करते हैं। ठीक है, इस तरह से अपन कोई भी क्वेश्चन गिवन होता है उनको ईजिली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं इन फॉर्मूलाज की हेल्प से। तो लेंथ ऑफ आर्क, किसी भी आर्क की लेंथ जो होती है, चाप की लंबाई का जो डेरिवेटिव होता है, उनको अपन इन फॉर्मूलाज की हेल्प से इजीली यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने लेंथ ऑफ आर्क का डेरिवेटिव डिफाइन किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।